नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, शिवजी एक ऐसे देव हैं जिसका ना कोई आदि है, ना कोई अनंत है, ना कोई शुरुआत है। शिवजी तो महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, महाकाल हैं। शिवजी जितने भोले हैं उतने ही शक्तिशाली हैं। शिवजी की साधना करके ही रावण इतना शक्तिशाली हुआ था और शिव जी की पूजा करके ही भगवान श्री राम ने इतनी शक्ति पाई थी कि उस दशानन का भी वध कर दिया था। इसीलिए दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति साक्षात महादेव, महाशंकर, भोलेनाथ इनको प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे भोलेनाथ खत्म ना कर दे। ऐसे में भोलेनाथ तो भोले हैं, वे छोटी मोटी पूजा मात्र से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे में कोई व्यक्ति ऐसा कौन होगा जो कि भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहता होगा। हर कोई चाहता है कि भगवान शिव शंकर की असीम अनुकंपा उस पर पड़े, महादेव का हाथ सदैव आपके सिर पर रहे। यानी कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जिस पर भगवान की, भोलेनाथ की, शिव शंकर की जब कृपा होती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, ऐसी कोई बाधा नहीं है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जो वह खत्म ना हो सके, या फिर ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसे भोलेनाथ पूर्ण ना कर सके। बस सच्ची श्रद्धा से आपको भोलेनाथ को पुकारना है, भोलेनाथ की पूजा करनी है, शिव शंकर महादेव की पूजा करनी है। आपके छोटे मोटे पूजा मात्र से ही शिव शंकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अरे शिव शंकर तो ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर आपने धतूरा भी रख दिया, बेलपत्र का एक पत्ता तक भी चढ़ा दिया, तो समझ लीजिए कि भगवान शिव शंकर आपके हो गए। भगवान शिव शंकर केवल भाव के भूखे हैं। आप केवल एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव शिव शंकर भोलेनाथ, या फिर लिख दीजिए जय बजरंग बली। और अगर आप केवल और केवल धन के अभिलाषी हैं, धन चाहते हैं, तो आप एक बार माता रानी का नाम भी अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे पहले सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी अवश्य करना और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्या पता आपकी एक शेयर किसकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, जो भी कोई भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करना चाहता है और धन संबंधी तो क्या, विवाह, संतान आदि किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहता है, तो वह केवल भगवान शिव शंकर के प्रिय चीज का एक बार स्मरण कर ले। भगवान शिव शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र हर कोई चढ़ाता है। भगवान शिव शंकर की पूजा भी हर एक व्यक्ति कभी ना कभी एक बार तो अवश्य करता है, लेकिन अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखें तो भगवान शिव शंकर आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। खूब पैसा कमाना है तो इस जगह रख दे 5 इलायची, पैसों से भर जाएगा आपका घर। छोटी इलायची लगभग हर घर की रसोई में मौजूद है, बल्कि जीवन में भी हर किसी के लिए मौजूद रहती है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे। इन उपाय बताने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो सकती है छोटी सी इलायची। अगर आप अपना घर और अपनी तिजोरी को नोटों से भरा रखना चाहते हैं तो आप एक उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको 5 छोटी इलायची अपने पर्स में रखनी चाहिए और ये बहुत ही आसान और अचूक उपाय है। इस उपाय को आप एक बार जिस दिन से करेंगे उस दिन से आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। दोस्तों, सुख समृद्धि और धन हर व्यक्ति चाहता है। अगर आप खूब सारा पैसा चाहते हैं, बंगला, गाड़ी सब चाहते हैं, तो आपको अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार आज मैं आपको इलायची के उपाय बता रहा हूँ जो आपको जीवन में सुख और संपत्ति को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर बात की जाए शुक्र के उपाय के बारे में, तो अगर आप शुक्र ग्रह को अच्छा रखना चाहते हैं, यानी कि जिस किसी व्यक्ति का शुक्र अच्छा रहता है उसको कभी भी पैसों के संबंध में कभी भी कोई चिंता नहीं होती है। उसे हर प्रकार के सुख सुविधा और आराम मिलता है, क्योंकि शुक्र को हम ऐसा आराम देने वाला, सुख संपत्ति देने वाला ग्रह मानते हैं जो कि आप सभी के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह हर प्रकार का सुख देता है। अगर आपका शुक्र खराब हो जाए तो आप इन सब में सब चीजों में से वंचित हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर आप अपना शुक्र ग्रह अच्छा करना चाहते हैं तो एक लोटा जल लेकर के उसमें 2 बड़ी इलायची डाल करके पानी में आधा होने तक उसे उबाल लें। फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिला करके स्नान करें। स्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान रखें। वाहन से जुड़े मामले हो या धन संबंधी मामले हो, यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। तो इस उपाय को नौकरी न मिलने वाले बेरोजगार व्यक्ति भी कर सकते हैं। जैसे इस उपाय से जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, ना मिलने की परेशानी है,
परेशान है तो वह क्या करना चाहिए, इस उपाय को आपको रात को करना है। रात को सोने से पहले एक हरे रंग का कपड़ा लेना है। आप चाहें तो छोटा कपड़ा भी ले सकते हैं। हरे रंग का कपड़ा लेने के बाद आपको एक छोटी सी आम सी दिखने वाली इस इलायची को आपको इसमें बांध लेना है। इसके बाद आपको अपने तकिए के नीचे इसे रख लेना है और अगले दिन आप इस इलायची को किसी भी गरीब व्यक्ति को खाने को दें। यह उपाय आप कर सकते हैं किसी भी दिन, खासकर से वीरवार के दिन। इससे आपकी नौकरी में उन्नति और आपके पास धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यह भौतिक और सटीक हर प्रकार की आपको सुख सुविधा मिलने लगती है। यह बहुत ही आसान लेकिन कारगर उपाय है। आपकी दरिद्रता यानी कि गरीबी दूर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि बेल पत्र का पत्ता जो कि आप शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, अगर आप उसे छू करके एक मंत्र बोल देते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, जब भी आप बेल पत्र का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने जाए तो आप प्रातःकालीन का समय उपयुक्त रहता है। सुबह के समय किसी भी दिन, दिन का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। भगवान शिव शंकर प्रत्येक दिन अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कोई भी दिन ऐसा सुनिश्चित नहीं है जिसमें आप करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। आप भगवान शिव शंकर को किसी भी दिन याद करें, किसी भी दिन भोग चढ़ाएं या कोई भी उपाय करें। जिस भी दिन आप जाना चाहें उस दिन प्रातःकालीन स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं, अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाएं। साथ ही एक लोटे में थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध होना चाहिए दोस्तों, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, अगर आपका दूध ज्यादा नहीं है तो उसमें आप थोड़ा सादा पानी भी मिला सकते हैं और भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। साथ ही अभिषेक होने के बाद थोड़ा सा दही और थोड़ा सा शहद, दही में ही शहद मिला लें और भगवान शिवलिंग की, शिव शंकर की शिवलिंग पर आप दही और शहद के मिश्रित से एक बार अभिषेक कर दें। उसके बाद एक लोटा साफ जल भी अवश्य चढ़ाएं। हो सके तो उस साफ जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी शक्कर डाल लें, यानी कि कुछ मीठा अवश्य डाल लें, गुड़ या फिर शक्कर डाल लें या चीनी डाल लें। उसके बाद आप तीन पत्ते जुड़े हुए हों ऐसे बेल पत्र लेकर आए और अपने दोनों हाथों में उसे पकड़ करके ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाम मृत्यु मोक्षे मामृतात्, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का केवल एक बार ही जाप कर लेंगे तो भी बहुत है, ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा भी आप अच्छा है। यह मंत्र मृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए हाथ में एक बार लेकर बोलें और उसके बाद भगवान शिव शंकर की शिवलिंग के ऊपर रख दें। इतना मात्र कार्य करने के बाद आप अपने घर वापस लौट आए और जितना हो सके उतना आप इसे करते रहें। एक दिन आपको स्वप्न में शिव शंकर के दर्शन अवश्य होंगे और जिस भी दिन आपको शिव शंकर के दर्शन अपने स्वप्न में हो गए तो समझ लीजिए कि आपकी वे पूजा सफल हो चुकी है और आपकी वे पूजा सफल होते ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रातःकाल उठ जाने के बाद आपको तीन इलायची लेनी है। तीन इलायची लेने के बाद आपको अपने दाएं हाथ में से ले लेना है। दाएं हाथ में लेने के बाद आपको अपनी मुट्ठी में इसको बंद कर लेना है और आपको श्री श्री बोलना है, श्री श्री ऐसे बोलना है। वह श्री श्री बोलने के बाद फिर से आप खोल ले, आपको ये श्री श्री 108 बार बोलना है और इसके बाद आपको अपनी मुट्ठी को खोल लेना है और इसके बाद आप इस इलायची को खा लें। खाने के बाद आप जिस भी कार्य पर जा रहे हैं या जो भी काम के बारे में आप सोच रहे थे वह उपाय आप करते हैं तो इस उपाय से आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। जय माता दी।